महोदय, मान्यता शब्द की हर तरफ से मांग आई है। मानव की मान्यता देने भर से ही वे बहुत सी कठिनाइयां हल हो जाएंगी जो बांग्लादेश के सामने हैं, हमारे देश के सामने हैं, और विशेषकर हमारे सीमांत राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के समक्ष हैं। हमने इस प्रश्न के हर पक्ष पर बड़ी गहराई से सोच विचार किया है, जैसा कि मेरे साथी ने बताया है। इसकी हम निरंतर समीक्षा करते रहते हैं। हम इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि दूसरे देश इस विषय में क्या करते हैं। इस बारे में या अन्य मामलों के बारे में हम जो कुछ भी निर्णय करेंगे वह स्थिति के हमारे अपने ही स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार और इस बात को ध्यान में रखकर होगा कि हमारे हित व्यापक अर्थ में किस तरह पूरे होते हैं। कल मैं अपनी वर्तमान कठिनाइयों में से संभावित खतरों और बोझों के बारे में जानबूझकर बहुत संयत भाषा में बोली थी। वह इस कारण नहीं कि मैं बोझों या खतरों से आज या कभी डरी हूँ, बल्कि इस कारण कि मैं चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इन सब विषयों पर गहराई से विचार करें। खतरों का तभी सामना किया जा सकता है जब आदमी इसके लिए तैयार हो। जैसा मैंने पहले कहा और फिर से दोहराना चाहूँगी कि यह समय दलगत प्रतिद्वंदिता का नहीं है। हम सबको मिलकर एक साथ खड़े रहना चाहिए और हमारे सामने जो अधिक काम हैं उनमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। मेरे विचार में सब पार्टियों को सहायता करनी चाहिए कि बांग्लादेश और शरणार्थियों का प्रश्न सांप्रदायिक स्तर तक न गिरने पाए, बल्कि अपने सही स्तर पर ही बना रहे। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर हैं, मैं इन प्रश्नों और अन्य घटनाओं के बारे में विरोधी दलों के नेताओं और सदन के अन्य सदस्यों से संबंध बनाए रहूंगी। मैं अपनी तरफ से सदस्यों को इस विषय पर अपनी बात मुझसे आकर कहने और उनके पास जो कोई जानकारी हो उसे बताने की पूरी छूट देती हूँ। साथ ही इस समय हमारे अधिक और कुछ कहने को नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम निराश ना हों। हमें अपने और अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए। हमें बांग्लादेश की वीर जनता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के संकल्प पर भरोसा होना चाहिए। कानून मंत्री के इस दायित्व के खारिज नहीं किया जा सकता है। बेहतर हो कि कानून प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ कारगर कदम भी उठाने का काम करें। महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कल दूसरे सदन में इसी तरह की बहस थी। मुझे वहां भी कुछ देर बैठना पड़ा। इस कारण यहां जो भाषण हुए उन सबको मैं सुन नहीं सकी। मुझे सुनकर दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस अवसर पर भी हमारे विदेश विभाग को बुरा भला कहा, सेवाओं पर दोषारोपण करके सरल रास्ता निकालने का प्रयत्न। ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी मैं निंदा करती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि हमने गलतियाँ नहीं की हैं और हमारे सभी प्रतिनिधि हमेशा योग्य ही होते हैं। जब गलती हो तो हमें उसे अवश्य बताना चाहिए, लेकिन सदा आलोचना करते रहने से निरुत्साह पैदा होता है और मनोबल गिरता है। हमें उन औजारों को ही कुंठित नहीं कर देना चाहिए जिनसे हमें काम लेना है। देश और विदेश में हमें काम तो करना ही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के शासकों को दी गई हर सहायता बांग्लादेश के निर्दोष लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल की जाएगी। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधियों ने परिश्रम से बहुत अच्छा काम किया है। प्रस्तुत परिस्थितियों में वे जितने प्रभावी हो सकते थे हुए हैं। कुछ सरकारों के विचार निश्चित हैं और यदि उनमें सहानुभूति भी पैदा की जाए तो भी वे इस प्रकार के मामले में कोई स्पष्ट बात कहने को तैयार नहीं होंगे। मैं कहना चाहूँगी कि हमारी उन सेवाओं ने जो वर्तमान स्थिति से निपटने में जुटी हैं साहस और समर्पण का परिचय दिया है। यदि कुछ माननीय सदस्यों को गाली देकर और सरकार पर साहस, दिशा और यहाँ तक कि समझ की कमी का आरोप लगाकर कुछ संतोष मिलता है तो मैं उन्हें इससे वंचित नहीं करना चाहती। कुछ सदस्यों के लिए हिम्मत का अर्थ गले की ताकत और भावुकता की भाषा है। काश की जिंदगी इतनी ही सरल होती। इस सरकार में बहुत से दोष हो सकते हैं, लेकिन उसमें साहस की कमी नहीं है और ना ही यह आवश्यकता के अनुसार जोखिम उठाने से डरती है। जैसा मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, हम स्थिति या किसी भी स्थिति के केवल कानूनी पहलू की चिंता नहीं करते। हम चिंता करते हैं केवल एक ही बात की,
और वह है हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षा और स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के बहादुर लोगों की सुरक्षा। इसी कारण से शांति से काम करने का महत्व है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए।